नियमत के मामले में अपने से कम तर को देखें, शुक्रगुजार बन जाएंगे और मुसीबत के मामले में अपने से ज़्यादा मुसीबत वाले को देखें, सब्र करने वाले बन जाएंगे। आप लोगों के रवैये तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन उनके जवाब में अपने रद्द अमल को बदल कर अपने हालात को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। गलत से गलत इंसान के लिए भी असलाह का वाहद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी हक पर क्यों ना हो, वो असलाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। जो इंसान पहली बार किसी की बात मान लेता है, वो ज़िंदगी भर दूसरों से अपनी बात मनवाने का हुनर सीख जाता है। मसला चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, हमें सिर्फ उसके हल का हिस्सा बनना है। इंसान फैसला एक लम्हे में करता है, मगर उसका नतीजा सारी उम्र उसके साथ रहता है। कुछ हासिल ना कर पाने की वजह से यही है कि आप हासिल करना तो चाहते हैं मगर ख़ुद पर यकीन नहीं कर पा रहे होते। यही कुव्वते इरादा ना होना नाकामी की वजह है। कुछ ना फर्क पड़ना भी ज़हनी कमज़ोरी की अलामत है। इसका मतलब है कि आप खुद अपनी ज़िंदगी को अहम नहीं समझते। मत सोचें कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि ऐसा काम करते जाएं कि लोग ये सोचते रह जाएं, सोचना कैसे है। उदासी तन्हाई की चादर के रूप में आपको ओढ़ लेती है और आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन से महरूम करती चली जाती है। अपने जैसे सोच वालों को ना जोड़ना या उनके साथ ना जुड़ पाना ही महरूमी है। टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटना ज़िंदगी का आगाज़ होता है। जब भी ज़िंदगी के रास्तों की समझ ना आए, दिल में अपने रब से रातों का सिलसिला बढ़ाते चले जाएं कि एक दिन मंजिल भी सामने दिखेगी। अल्लाह का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत होता है। खामी और कमी तो हमारे अखलाक और रवैयों में होती है। आपके दिल और दिमाग में किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत है तो इससे पहले कि वो जहर बनकर आपके दिल और दिमाग को मफलूज कर दे, इस नफ़रत को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि नफ़रत आपके दिल में बदले की चिंगारी चला देती है और फिर ये चिंगारी रोशन होकर आपके पूरे वजूद को जुलसा देती है। ज़िंदगी कितनी बदल जाए अगर हम इस बात को समझ जाएं कि नरमी से बात करने का मतलब बेवकूफ़ी और कमज़ोरी नहीं, बल्कि आजजी और आला ज़र्फ़ी है। हमने सिर्फ बोलना ही सीखा है, चुप रहना नहीं आता। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बहुत अहम है कि आपको पता हो कि कब चुप रहना है और कहाँ और कब आपने बोलना है। आप लोगों के रवैये तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन उनके जवाब में अपने रद्दे अमल को बदल कर अपने ख्यालात को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं।